खबर पौड़ी गढ़वाल से है, जहां कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने गढ़वाल मंडल के सभी डीएम और अधिकारियों को मानसून सीजन में सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि गढ़वाल कमिश्नर ने कहा कि गढ़वाल क्षेत्र में आपदा का सिलसिला जारी है। बीते दिन ही वे टिहरी जिले के आपदा प्रभावित क्षेत्र तीनगढ़ और बुढ़ाकेदार क्षेत्र का निरीक्षण कर लौटे हैं, जहाँ हालात बेहद खराब है। ऐसे में 24 घंटे के भीतर विस्थापन का कार्य शुरू करवाने की बात गढ़वाल कमिश्नर ने कही। इसके तहत ही गढ़वाल कमिश्नर ने कहा कि सड़क हादसे और मानसून सीजन में आई आपदा के कारण पशु हानि भी इस बार काफी हुई है, जिसके चलते अब मानसून सीजन में जहां भी आपदा की सूचना मिल रही है वहां तेजी के साथ रेस्क्यू टीम द्वारा राहत बचाव का कार्य पूरा किया जा रहा है। पौड़ी से मुकेश बछेती की रिपोर्ट। 3 दिन पूर्व ही टिहरी जनपद के बूढ़ा केदार क्षेत्र में काफी बड़ी आपदा आई थी और उसमें 2 जनहानि भी हमारी हुई है, साथ ही साथ संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचा है और काफी भू कटाव भी हो रहा। तीनगढ़ गांव जो है, जो आपदा से सबसे ज्यादा प्रभावित है, वहां पर ऑलमोस्ट हम लोगों ने कल विस्थापन की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान कर दी और वहां के लोकल प्रधान से भी मैंने रिक्वेस्ट की कि आप 5 लोगों की अपनी एक नामित करके दे दीजिए। डीएम की तरफ से भी एक कमेटी बनकर हम लोग कल से ही इसका प्रारंभ कर रहे हैं। जहां जहां लैंड उपलब्ध होगी वहां वहां तुरंत तत्कालिक रूप से विस्थापन हम शुरू कर देंगे। पशुओं के लिए भी, जो करीब 250 से 300 पशुओं के लिए भी 5 शेल्टर बनाने के स्वीकृति दे दी गई है। बूढ़ा केदार में जो प्राचीन मंदिर है वो भी काफी खतरे की जद में आ गया है, साथ ही साथ जो वहां की पॉपुलेशन है, जो जिनके घर नदी किनारे थे, वहां के लिए भी सिंचाई विभाग की तरफ से करीब 8.5-9 करोड़ का एक आवेदन प्रस्तुत कर दिया गया है और माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आ गया था ये, तो उन्होंने बड़ा स्पष्ट निर्देश दिया था कि आपदा से निपटने में धन की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। और सचिव आपदा को बड़ा सख्त निर्देश है कि जैसे ही प्रस्ताव डिस्ट्रिक्ट से आता है इसको तुरंत सैंक्शन करके टेंडर प्रक्रिया प्रारंभ करें, शॉर्ट टर्म टेंडर लगाएं और तात्कालिक रूप से इसका काम प्रारंभ करें। पहाड़ के जनपदों में बरसात हमेशा से एक चुनौती रही है और इस पूरे सीजन में हमारे रुद्रप्रयाग में, चमोली में, उत्तरकाशी में, टिहरी में, पौड़ी में बादल फटने की भी घटनाएं हुई हैं और 1-2 बड़े मेजर रोड एक्सीडेंट्स भी हुए जहां पर लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। हालांकि प्रशासन की तरफ से हर संभव सहायता प्रदान की गई और क्विक रिस्पांस दिया गया। हमारा एक आपदा का हेलीकॉप्टर हर समय उपलब्ध रहता है और जब भी कोई इस तरह के कोई क्रिटिकल या कोई इमरजेंसी के केसेस होते हैं तो उनको हम एम्स ऋषिकेश या देहरादून के जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हैं वहां हम तुरंत लोगों को पहुंचाने का भी काम कर रहे हैं।